सजाद के दिल में कोई गम है और गम निकल नहीं रहा, बाहर निकाल दो बाहर। हम सब के चैनल्स को जो है ना वो अपने ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा जो है सब्सक्राइब करना है। पहले बताया था आज, पहले नहीं कह रहे थे अब सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा जी, फाइनली भाई से जा रहे हैं और मिस करते हैं, उनकी यार शादी अपने अख्ताम को पहुंची है। आज इनका वलीमा था और हमारे साथ बैठे हैं। इन्होंने ड्रेसिंग पहले और की थी तो अब इन्होंने चेंज कर ली है क्योंकि गर्मी है काफ़ी यहाँ पे। तो वो पैंट कोट था ना, सर्दी का ड्रेस मुझे गर्मी में मतलब पहनना पड़ा ना, तो फिर दिक्कत बड़ी होती है ना। मेरी जो शर्ट थी ना वो भीग गई थी ना पसीने से, फिर मुझे फौरन उतरा और मिसबा है तो मेरे ख्याल में इन्होंने जानबूझ के उतारी है कि पहले जो कि वो नहीं था, मैच नहीं था आपस में, इन्होंने मैच करने के लिए मेरे ख्याल में जानबूझ के काम किया। तो इसीलिए बस वो पहले हमारे साथ फ्रॉड किया ना कि वो दिखा दिया हमें। और ये रात को इन्होंने ये पहन लिया, इनको मैंने बोला आपको पता नहीं था कि कल पहनना, फिर इन्होंने उतारा, फिर और सही है। और बाकी क्या एक्साइटमेंट है आपकी भाईजान? बस आखिर पाँच साल बाद में नती है ना, लेकिन आप जो है ना मेरे बस बात अच्छे से मतलब बिना कोई लड़ाई झगड़ा, मेरे हिसाब से नफरत जो है ना लड़ाई झगड़ा से मतलब फैमिली भी अच्छी रहे ना, मतलब फैमिली में भी कोई तल्लक ना टूटे और खुद भी हमारे दरमियान भी कोई तल्लक ना टूटे ना। ये चीज़ मज़ा भी इसी चीज़ का ना कि जब ससुराल और मायका दोनों जो है ना एक यक जान होते रहे, अगर वो शादी के बाद भी यानी कि अगर वैसे ही झंझट रहे तो फिर वो शादी का मज़ा नहीं, क्योंकि एक हस्बैंड वाइफ जो है ना उनका रिलेशन भी ज़रूरी होता है। शादी के बाद दो खानदानों का मिलना आता है, तो दो खानदान अगर जो है ना अच्छे तरीके से मिले तो फिर अगले बंदे को जो है ना मज़ा आता है कि वाकई शादी की है, मैंने तो जो खानदान मिल रही है। अच्छा, वो हमारी मिसाल लेते हैं, हमारा भी ऐसे ही अभी तक आपको पता सिस्टम चल रहा है। वीडियो भी बांध रही है तो मैं मतलब कहता हूँ कि हमारे जो आमिर लियाकत है ना, जिस दिन भाई फौत हुए ना मुझे पता चला था, तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हुआ था कि उसके दूसरे दिन मेरी शादी भी थी ना, मैं खुद बोल रही हूं भाई वो डिप्रेशन में मरा है। जो उसकी तीसरी तलाक हुई है ना वो डिप्रेशन में मरा, कुछ भी नहीं था डिप्रेशन में। आपको तो कोई डिप्रेशन नहीं है? बस मुझे डिप्रेशन फिर भी डिप्रेशन होता है ना, यानी कि शादी बेशक आपकी होगी है लेकिन अगर हालात ऐसे चलते हालात अच्छे रहे, बस हालात अच्छे रहे, बस इंसान खुश होना, बस खुश होना भाई, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, ये बात जो ये परेशानी होती है हमें इनका ना मुकाबला करना पड़ता है। बिल्कुल, ज्यादातर हम बस अभी आप लोग अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ एंजॉय करो, अभी ये झंझटों में ना पड़ो, अभी आपकी लाइफ है, अभी आप एंजॉय कर सकते हो, कहीं बाहर आउटिंग पे चले जाओ, थोड़ा सा बंदा हाँ, मैं भी सोच रहा हूं कि बंदा थोड़ा सा फ्रेश टूर का प्लान बना ले कहीं। हां सही है भाई, करते हैं इंशाल्लाह, हफ्ते का टूर का प्लान बना सकते हैं, थोड़ा लेट बनाए हम भी जाते हैं इधर कबाब में, आपकी गाड़ी पे चले। हाँ जी, हमारी गाड़ी पे और व्लॉग भी बात, हाँ ये भी अच्छा हो गया कि वहाँ पे गाड़ी में ये है कि बंदा हर जगह घूम के अच्छे व्लॉग बना। वहाँ पे हम एक दफ़ा हम गए हैं वहाँ पे मरी में, तो वहाँ पे यानी कि एक गाड़ी वाले को मैं हमने बोला कि हमें ना टूर करवाए, उसने चार जगह का बोला, चार जगह लेके जाऊंगा, उसने बोला 1500 रुपया ले ले। अच्छा, वो व्लॉग बना रही है और ये बातें कर रहे हैं, चले बनाते रहे कि हम रियल लाइफ में आपस में बैठ के कैसे गप्पे लगाते हैं। तो वो 1500 उसने हमसे मांगा, टूर जो करवाते हैं हम तकरीबन समझ लें कि आधा किलोमीटर आगे गए हैं, उसमें बर्फबारी हो रही थी, आगे कुछ भी नहीं, आगे गाड़ी नहीं जाते, वापस आ गए, उसने पैसे हमसे पूरे ले लिए, लेना क्या है, यानी कि ये ऐसे ही लोग वहाँ पे करते हैं। हम लोग गए थे इस्लामाबाद टूर करके आए हैं अभी दो दिन का, तो अपनी गाड़ी हो तो कोशिश कीजिएगा आप थोड़ा सा जो है ना वो प्लान लेट बनाने का, फिर हम भी आपके साथ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमारा शिफ्टिंग का थोड़ा सा मामला चल रहा है, तो हमारी शिफ्टिंग हो जाए तो उसके बाद इंशाल्लाह अपनी गाड़ी पे आपको लेके जाएंगे, फिर हम कबाब में अड्डी नहीं होंगे, कबाब में गाड़ी होंगे, वहाँ पे जाके अलग रह लेंगे और इधर से बंदे दो फैमिली होना जी, और इंशाल्लाह आपकी भी जो है लाइफ में ईद जो है ना खुशी भरी हो, हमारी यही दुआ है, और हमारे साथ जाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों ने दोनों ने जो स्टेप लिया है ना, आप लोगों ने अपनी बात पे कायम रहना और इसको मरते दम तक नहीं होना, चाहे जितना मर्जी तूफान फिर मैंने सोचा कि मेरी किस्मत में जो अल्लाह ने लिखा है ना, अगर मेरे नसीब में हुआ तो मेरे साथ इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा। अच्छा, ये अभी भी हमारे साथ बैठी है,
इनके भी थोड़ा जिक्र कर दें और इनका भी आप बात कर दें कि इनको भी ऐसे ही सपोर्ट करना है आप लोगों ने। इनका भी जो है ना चैनल है, तो जो ये हमारी बहन है ना, इसने मेरे साथ एक मरतबा बात की थी तो मुझे इसमें कुछ खूबसूरती नजर आई थी। आज ना सजाद के दिल में कोई गम है और गम निकल नहीं रहा बाहर, निकाल दो बाहर। अच्छा तो अब तो मेरे पापा ने बड़े प्यार से आपसे बात की है कि गम निकाल दे, अब तो आपको निकाल देना चाहिए। अबू भी आए ना तो कहते सजाद को क्या ऐसे मुंह लटका हुआ, इसलिए हमें मिला भी नहीं है, परेशान है, क्या मसला है इसके साथ। बहुत होती है ऐसी सिचुएशन, क्या हुआ है इनका दिल भी बहुत छोटा है। अच्छा जी, इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना हम इनको लेके चलेंगे लंबे टूर पे और हम अपनी गाड़ी पे लेके चलेंगे इंशाल्लाह इनको। और माइंड रिलैक्स करेंगे वहाँ पे जाके इकट्ठे, हम लोग बड़े मजे मजे के व्लॉग्स हैं वहाँ पे हमारे आएंगे, आपको देखने को मिलेंगे। तो आपने हमारी वीडियोस जो है ना वो कंप्लीट देखा करना है, हम सब के चैनल्स को जो है ना वो अपने ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा जो है ना सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करना है। पहले नहीं कह रहे थे अब सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसको आपने ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और आपने बताना है कि मिस बाबे की लुक जो है ना वो आपको कैसी लगी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इनके लिए आपने बहुत सी दुआएं करनी है कि ये अपनी लाइफ में बहुत खुश रहें और आबाद रहें और बहुत अच्छे नसीब हों। आमीन। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।